वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी कलर स्कीम्स चल रही थी, आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री एंड थर्ड ट्रायडिक, फोर्थ टैट्रिडिक रेक्टेंगुलर एंड फिफ्थ टैट्रिडिक स्क्वायर, सिक्स एनालॉगस एंड सेवन्थ मोनोक्रोमेटिक। तो जिसमें से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो हम कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे बाकी की कलर स्कीम्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायडिक से। ट्रायडिक कलर स्कीम क्या होती है कि इसमें तीन कलर्स को आपस में एक इक्वल डिस्टेंस से लिया जाता है। इक्वल गैप देने के बाद में जो कलर्स आते हैं तीन को, उनको बोलते हैं हम ट्रायडिक कलर स्कीम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्राइमरी को ही ले लेते हैं। तो प्राइमरी हम जैसे करते हैं तो इक्वल गैप के बाद में आता है प्राइमरी, तो हम तीनों प्राइमरी को ट्रायडिक में ले सकते हैं, तीनों सेकेंडरी को ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमें तीन कलर्स को इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम लेंगे तो ये आएगी हमारी ट्रायडिक कलर स्कीम। अब हम बात करते हैं टैट्रिडिक रेक्टेंगुलर कलर स्कीम की। तो टैट्रिडिक रेक्टेंगल कलर्स चार कलर्स होते हैं जो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर होता है। हम रेक्टेंगल शेप में ऐसे कलर्स को उठाते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब हम आते हैं टैट्रिडिक स्क्वायर पे। तो ये भी टैट्रिडिक स्क्वायर जो होता है टैट्रिडिक रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि ये स्क्वायर शेप में होता है। इनमें भी दो कंट्रास्ट का जो पेयर होता है, मीन्स चार कलर एंड दो कंट्रास्ट का पेयर, इनको मिलके बनता है हमारा टैट्रिडिक कलर। एनालॉगस कलर स्कीम्स। एनालॉगस कलर स्कीम जो होती है, इसमें कलर व्हील के कलर्स, आसपास वाले कलर्स को लिया जाता है जो कि ये एक दूसरे के पास में होते हैं। यूजुअली ये काफ़ी अच्छे से मैच होते हैं, एक कंफर्टेबल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि कलर व्हील के आसपास के होते हैं तो एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के बारे में। जो मोनोक्रोम कलर्स होते हैं वो होते हैं, एक ह्यू होती है एंड उसी के टिंट्स एंड शेड्स होते हैं। जो टिंट्स होते हैं उसमें हम वाइट मिक्स करते हैं एंड शेड्स में ब्लैक मिक्स करते हैं। तो इसके अलग अलग टिंट्स के, जितना वाइट ऐड करोगे उतना ही आपको वैरायटी इसके टिंट्स में मिल जाएंगी मोनोक्रोम में, एंड अगर आप जितना ब्लैक ऐड करोगे तो उतनी ही आपको मिल जाएंगी शेड्स में। तो ये थी हमारी सारी कलर स्कीम्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी थी, आपको चीज़ें समझ आई, या फिर कोई भी चीज़ें आपको क्लियर करनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अभी बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में कलर्स में, वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।